चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। आप लोग देख रहे हैं हमारे पास पल्सर 135 सीसी बाइक है। अभी इस बाइक का यहाँ पे हम माइलेज सेटिंग करने वाले हैं। माइलेज किस तरह से सेटिंग किया जाता है इस टोटल स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक स्क्रू देख रहे हैं कार्बोरेटर में, ये फ्यूल और एयर मिक्सचर स्क्रू है। तो कार्बोरेटर के ऊपर यहाँ पे एक फ्यूल और एयर मिक्सचर स्क्रू लगा है। जस्ट इसके राइट साइड में बाइक के यहाँ पे एक आरपीएम सेटिंग करने के लिए यहाँ पे स्क्रू लगा है। ये नॉर्मली हाथ से भी रन हो जाता है, इस तरह से आप रन किए तो आगे पीछे हो जाएगा। और ये हो गया चौक। कई बार ऐसा भी होता है कि बाइक में आप चौक को इसको नीचे करके बाइक को चलाते हैं, उस टाइम क्या होता है कि बाइक ज़्यादा पेट्रोल पीने लगता है। आप लोग सोचते हैं कि माइलेज गलत सेटिंग है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। जब भी आप बाइक को चौक का काम है बाइक को स्टार्ट करना, बाइक स्टार्ट हो जाता है उस टाइम आप चौक को न्यूट्रल कर दीजिए, इस तरह से ऊपर कर दीजिए तो चौक छूट जाएगा, नीचे कीजिएगा तो चौक लगा रहेगा। इस तरह से आप एक बार चौक को भी चेकअप कर लीजिए। चलिए हम चौक को फिलहाल ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे बाइक को हम कर रहे हैं स्टार्ट। किल स्विच को ऑन कर लेते हैं। बाइक मेरा फाइनली स्टार्ट है, बंद भी नहीं हो रहा है। एक आपको इस तरह से स्क्रू ड्राइवर ले लेना है और अपने घर पर भी नॉर्मली बजाज पल्सर 135 सीसी बाइक का माइलेज सेटिंग कर सकते हैं। ये जो फ्यूल मिक्सचर स्क्रू है, तो फ्रेंड्स ये जो फ्यूल और एयर मिक्सचर स्क्रू है इसको आपको करना क्या है, इसको फुल टेंट कर देना है। देखिए अभी ये फ्यूल मिक्सचर स्क्रू काफ़ी ज़्यादा ढीला था, लगभग 15 से 16 राउंड ढीला था। ऐसा नहीं होना चाहिए, 15-16 राउंड ढीला रहेगा तो बाइक मिसिंग करेगा, झटका देगा और बाइक माइलेज भी नहीं देगा, बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी आ जाएगा। इसलिए आपको बता दें कि माइलेज जब भी आप सेटिंग करवाते हैं या तो आप खुद से सेटिंग कीजिए वीडियो देख करके, या नहीं तो आप किसी अच्छा मैकेनिक के पास जा करके माइलेज को सेटिंग। देख रहे फ्यूल मिक्सचर स्क्रू को कितना ज़्यादा ढीला कर दिया था। या फुल टाइट करने के बाद बाइक अभी चाहे तो आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी माइलेज सेटिंग कर सकते हैं जिस तरह से हम आपको बतला रहे हैं। ये फुल टेंट हो गया, इसको एंटी क्लॉक वाइज इसको ढीला करना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक राउंड ढीला कर लिए, दो राउंड ढीला हो गया, तीन राउंड ढीला हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए चार राउंड ढीला हो गया। चार राउंड ढीला करने के बाद इसको आपको थोड़ा ज़्यादा कर लेना है, 4.25 कर लेना है। आप 4.25 रख सकते हैं या फिर 4.5 रख सकते हैं, 5 नहीं करना है। इसको 4.25 राउंड ढीला करने के बाद देखिए यहाँ पे 4.25 राउंड हमने यहाँ पे ढीला कर लिए। अब उसके बाद बाइक को स्टार्ट करते हैं। बाइक को हमने फिर से स्टार्ट किया और यहाँ पे देखिए बाइक का अभी नॉर्मली आरपीएम सही है। अगर आरपीएम ज़्यादा हो रहा है उस टाइम आपको यहाँ से आरपीएम को रेस को कम कर लेना है। अगर बाइक माइलेज सेटिंग करने के बाद बंद हो रहा है तो यहाँ से आरपीएम को ज़्यादा कर लेना है। इस तरह से आपको यहाँ पे भी उसके बाद डिस्प्ले पे चेकअप करना है। ये जो है 1 पे है तो 1000 आरपीएम है, तो 1 से थोड़ा ही ज़्यादा रखना है, 1100 आरपीएम नॉर्मली आपको बाइक को रखना है। 1100 आरपीएम, 1100 आरपीएम रखने से होगा क्या कि बाइक जल्दी बंद नहीं होगा स्लो करने पे, और हमारा बाइक के अंदर जो इंजन ऑयल है वो प्रॉपर इंजन ऑयल जो यहाँ से जाता है हेड तक, हेड तक प्रॉपर पहुँच जाएगा। अगर इससे कम रखेगा तो आपका बाइक बंद भी हो जाएगा स्लो करने पर, स्टार्ट करके इस तरह से नहीं रुक पाएगा। और यहाँ पर देखिए बाइक का आप थ्रोटल भी दे रहा, बाइक नहीं दब रहा। इससे पहले बाइक दब रहा था और चलाने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसी तरह से आप पल्सर 135 सीसी बाइक का माइलेज सेटिंग कीजिएगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।